वेलकम बैक टू मजाक रात। फौजिया एक्टिंग नहीं करती एक्चुअली, एक जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है शौक। सो बहुत सी ऑफर्स आए फिल्म्स की भी, ड्रामास की, नहीं किया कभी, शौक ही नहीं था। बिकॉज मेरा शुरू से ये इंटरेस्ट था कि एक काम करो अच्छा करो। ये बड़ी वैसे एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस है जो कि आजकल कम ही ना सुनने को मिलता है। क्यों सर, आपका क्या ख्याल है, एक काम ही किया जाए? सर ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, कई मल्टी डायमेंशनल लोग काम कर रहे होते हैं, कईयों की सोच डिफरेंट तरीके से चल रही होती है, कई जरा कनात पसंद होते हैं, वो एक ही काम पे गुजारा कर लेते हैं। वैसे आपका तो कोई मॉडलिंग में इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, देखते हैं कभी? देखे कोई नजर से? मूवीज तो देखता हूँ। अच्छा, मूवीज देखते हैं? म्यूजिक भी सुनता हूँ। अच्छा, मूवीज भी देखता हूँ फैमिली के साथ बैठ के, जिस तरह टीवी। तो आखिरी मूवी कौन सी देखी? सर मैंने पिछले दिनों एक मूवी देखी है बहुत पुरानी। अच्छा, गन्स ऑफ नेवर ऑन, एंथनी क्विन की। बिल्कुल, एंथनी क्विन मैंने दो तीन दिन पहले देखी है। बड़ी, तो ये क्या इलेक्शन आ रहे हैं इस वजह से देखी? इलेक्शन देखे, इलेक्शन हमारे लिए जो है ना, जॉनसन जी, एक ऑलमोस्ट एक वो रूटीन वर्क बन चुका है मेरे। आप जो 32nd ईयर है पॉलिटिक्स में, बिल्कुल बाद घंटे आपके दिन में ऐसे होते हैं, या लम्हे ऐसे होते हैं कि आप कुछ ना कुछ करना चाह रहे होते हैं ना। तो वैसे कौन सी हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? इंडियन देखते हैं, पाकिस्तानी देखते हैं क्या? वेस्टर्न मूवीज बड़े शौक से देखते हैं। वेस्टर्न भी गुड। क्लिंट ईस्टवुड की मूवी, क्लिंट ईस्टवुड की फिल्में, हाँ, तो बड़ा एक आपका शौक है बकायदा, शौक है बकायदा, यानी कि कुछ घोड़सवारी और बंदूकें और इस किस्म का है वो हमारा साउथ का कल्चर भी यही है ना। कॉबॉयज तो नहीं होते साउथ के अंदर? घोड़सवारी, घोड़सवारी है। और वही ना, मैं कहा आप तो कॉबॉयज बना दिए आपने साउथ के अंदर। घोड़सवारी आपको है शौक, एक्टिंग का तो नहीं है, मगर क्या लोगों की एक्टिंग देखने का है? बिल्कुल, मैं बड़ी उस टाइप की मूवीज देखती हूँ, लाइक ग्लैडिएटर आपने देखी होगी, इस टाइप को भी, यानी कि एक्शन वाली फिल्में पसंद? एक्शन बिल्कुल नहीं, ऐसी फिल्में मेरे घर वाले आपको इजाजत नहीं देंगे। है जी, क्या हो गया भाई? समझा, मेरी अम्मी की बहू है ये। इस कदर मासूमाना सोच जो आपने अपनाई है, क्योंकि वो पाकिस्तान फिल्में देखे, वो मेरे घर वाले भी देखते हैं। पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं? पाकिस्तानी मैंने एक फिल्म जरूर देखी थी, नामालूम अफराद। अरे वाह, तो मैं इनकी फैन, मतलब वो फिल्म देख के आपको नाम, वो एक वाहिद मूवी थी जो न्यू आई है, तो मैं उस दिन से इनकी फैन थी। और मुझे ये एयरपोर्ट पे मिले, एयरपोर्ट पे मिले आपको? जी बिल्कुल, तो मैंने इनको यही कहा, मोहसिन को, मैंने कहा मुझे आपसे ये, मुझे देख रहे हैं कि यू नो सुपर मॉडल और इस तरह हम लोग मिले, और मैं इनको कह रही हूँ कि यू नो मैं आपकी एक्टिंग की फैन हो गई, सीरियसली। अरे फोन कर दे, फोन करके कह दे ताड़ी नो जड़ी है ना जी, ओदी फैन यू नो आई नीड ए हेल्प। यू नीड अ हेल्प? यस, 99,000 रुपए से मेरी कमेटी निकल आई। अरे वाह यार, वो मैं चूहे नाल पाई हुई सी। अपनी फैमिली से पाई सी? ओ यस, वो एक जराज मैं बनाई हुई सी, ओदे विच मैं पैसे पांदा था। अच्छा, ओदे विच कोई ना जी होल सी, वो कितने चूहे आंदे सन, ओदे चू दो दो पांच पांच छे छे रुपये खिंच के लै जाते। अच्छा, वो अज मैं फ्रिज हटाया, ओदे थलो इन्ने नोट निकले ने। अरे मुबारक हो, थैंक यू। 99,000? यस, 99,000। आप क्या करोगे 99,000? आई नीड जस्ट 1,000। व्हाई डू यू नीड 1,000? मेरे को लाख हो जाएगा। अरे करोगे क्या लाख का? वो इमरान खान ने क्या, जिरा लाख रुपए जमा कराए नॉन रिफंडेबल, उन्होंने टिकट मिल सकता पीटीआई को? यस, आई वांट टू बिकम ए पीटीआई मिनिस्टर। लाख रुपए की पीटीआई की टिकट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो? पीटीआई नो फायदा होएगा। क्या फायदा होएगा? मैं उन्होंने अमेरिकन एक्सपर्टीज दियांगा। क्या ओ? नले अमेरिका दे विच जिन्ने मामला तो उनके वो मैं ही कराने ने। अच्छा, ट्रंप नु ते मैं बहुत अच्छी तरह जानना। वो कैसे? वो भी मेरी तरह चवली है। ट्राई कर लो हमारे मेहमानों से, अगर 1,000 रुपए निकलवा सकते हो। हाउ यू डूइंग सर? यू नो हु सर इज? यस आई नो हु। तुसी दसो? चीमा साहब इज फ्रॉम साउथ पंजाब। ओ यस, चीमा साहब, आई नो दैट। एमएनए? दिस गाय? यस एमएनए। केरी पार्टी देने? अब तो ये खैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे, oh, yes. अब नहीं है ये, और no. अब ये पीटीआई के साथ इनका इलहाक हुआ है, इनकी जमात। ये जो आएगा इमरान करेंगे तेरे जान बनेगा ने। yes. मुझे ना करके देखो, पैसे उन्होंने देने हैं। यस यस, 1,000 का मसला सर, तुसी ते चप्पल ये दी सोनी पाई है, मैच हो गई है। ये देखे मैच हो गई। हाँ, 1,000 रुपया के नाल चप्पल भी देंगे। ये मैडम केरी पार्टी देने?
वो फैशन वर्ल्ड से है, सेम लाइक मी, वो सुपर मॉडल है, ये मैं भी सुपर डुपर हो जावांगा उनते। अच्छा, जब इलेक्शन लड़ लवांगा तो जगह जगह पोस्टर मेरे लगेंगे। पहले 1000 रुपया इकट्ठा कर, ओके, सीट मिलेगी तब बात करेंगे। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जो नजर से मिलाई मजा आ गया, तेरे रश के कमर कोई 150 भी पाओ, जो नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरा फेवरेट सॉन्ग आपने गा लिया। ओ बरकसी गिर गई कहानी डर गई, तेरे सर से मिलाई मजा आ गया, तेरे रक्षे में, तेरे रक्षे में की रक्षे में नहीं हो, रस्ते में, तेरे रस्ते में 1000 रुपए है कि नहीं सर? 99,000 जाया करेंगा, वो अद कर लिए, मैं इलेक्शन से खर्च कर मेरे तो बड़े फैबुलस ने। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मैनू भी ये हरकत नहीं सी करनी चाहिए, क्योंकि हाले तो इलेक्शन जीते ही नहीं, मिनिस्टर बने ही नहीं, पैसे घुमाए ही नहीं, ते देने कितों ने? अगर मौजियां दे सकती हैं, सुपर मॉडल है। नहीं, मैं आपको इस गाने की वजह से 5000 दूंगी, प्रोग्राम खत्म हो गया। कोई बंदा दुनिया से ऐसा है जिहड़ा इन्हां नूं नहीं पछाणदा? 36,000 मैं फिल्मा वेखी इन्हां दीआं। हाशब चीमा साहब, अरे चली यार, वेलकम बैक टू मजाक रात। फौजिया, वोट वगैरह कास्ट करती हैं? वोट नहीं, मैंने कभी भी नहीं दिया। अभी बना नहीं ना, 16 साल तो एज हो गई। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, फैमिली में सब देते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि सब डिसाइडेड होता है। अच्छा, फैमिली कहती है कि आप अपना हक अदा करें, आपको देना चाहिए वोट, मगर आपका जहन कहता है कि सब डिसाइडेड होता है। जी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं 3-4 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या डिसाइडेड हुआ है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या डिसाइड हुआ है, वो तो आप बता सकेंगे। नहीं नहीं, आप बताएं, वो तो बता ही देंगे ना, आप हमें अपना बताएं। हमारी आवाम में इतना, अब इतनी समझ हो गई है उनमें, इतनी अवेयरनेस कि उनको पता लग रहा है कि हमें किसको वोट देना चाहिए, क्योंकि अब इतना लोगों में सेंस आ गया है जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया कि कौन हमारे मुल्क के लिए अच्छा है और कौन नहीं। मैं अब इंशाल्लाह जरूर दूंगी, ये मेरा वादा है, बिल्कुल इस दफा, इस बार प्रोग्राम है। जी बिल्कुल, इस बार जरूर है। अच्छा है, चलें देखे सर। एक तो सर, ये यही हमारा एक बहुत बड़ा डिलेमा है पूरी कौम का, खासतौर पर खवातीन में, कि जो खवातीन देहाती इलाकों में रहती हैं वो मैटर नहीं करती। इसलिए मैटर नहीं करती कि उनके इंडिपेंडेंट सोच नहीं उनमें आ सकती, माहौल ऐसा वहां का। बड़ी की खवातीन जिस तरह शहरों में हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची, जो मैटर करती हैं खवातीन, वो इंटरेस्ट नहीं लेती। यानी फिर पाकिस्तान में क्या तब्दीली आएगी? मेरी तो खुद रिक्वेस्ट होगी इनसे भी और मेरी सब ये जो बच्चियां बहनें बैठी हुई हैं, कि कोशिश करें अच्छाई की तरफ बातें जाएं। और खास तौर पर मैं आज आपके तवसत से मैं ये भी कहना चाहूंगा, आजकल का जो माहौल है हमारे माशरे का, सोसाइटी का, हर कोई डिप्रेस है किसी ना किसी हवाले से, टेंशन का शिकार है, सप्रेशन है सोसाइटी के अंदर। ये तो मैं इनको जितना भी खराज तसीम पेश करूँ, वासी साहब ईमान से कम है कि ये पता नहीं कैसे लोगों को हंसाते हैं, और इनका हंसाना जो है ना वो माशरे को इस वक्त जिंदा रखे हुए हैं। जानदारी की बात, राती मेरे नाल की होया? मैं तेरे को पूछ रहे, तू मेरे को पूछ रहे? अल्लाह दिया बंदे खाब। अच्छा, खाब च इमरान खान साहब आए ने? ना करे। मैंने कहते ने उठ बंदे, नवा पाकिस्तान हैज बिन स्टार्टेड अप, तू खवाब खरगोश दे मजे ले रहे, उठ राबते कर मुस्लिम लीग नून वाले नाल, हर शायद तब्दील होती जा रही। क्या मतलब? ओ दाड़े, ओ मैं तो पुराना फोन सी। हाँ। ओ फिर मैं किसे नूं दित्ता? हाँ। कुछ पैसे पाए। अच्छा। ते ओ टच मोबाइल लिया, टच। हाँ टच। अच्छा। ओ फिर मैं टच करता रहा। हाँ। ओ फिर मैं सारा डाटा ओ ट्रांसफर किया। अच्छा। ओ खबर है की गड़बड़ हो गई, की हुई? ओ मैं मुस्लिम लीग नून वाले नूं फोन करा। हाँ। अगू टोना ही बदली हुई है। मतलब टोन अगुआई इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं क्या एक ही हो गया, मैं फौरन खुसरो बख्तियार साहब नहीं। हाँ। और ना नु काल मिलाई। हाँ। अगुआ आवाज आई,
ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨੀਲੋ ਫਿਰ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਇਮਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਏ ਸਨ। ਦੇਖੇ ਉਹ ਅਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸੇ ਪੀਟੀਆਈ ਕੀ ਤਰਫ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਆ ਲਓ ਕੌਣ ਨੇ ਐਰਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਛਾਣ? ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ? 36,000 ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਸ਼ਫ ਕਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੋਲੀ ਯਾਰ ਐਨਕ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ? ਹਾਂ ਲਓ ਦੱਸੋ MLA ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ? ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਲਾਸ਼ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਹਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਯੈਸ ਮੰਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ PTI ਚ ਆ ਗਏ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ 5 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ PTI। ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਰ ਕਿ PTI ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ PTI ਚ ਹੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ PTI ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅਬੇ ਇਲਾਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਆ ਹੋਇਆ ਉਨਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਸਾਥ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰ ਸਿਆਸਤ? ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜਾਤ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ 50 ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਯਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਮਾਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਇਮਾਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਆ। ਯਾਰ ਉਨਸੇ ਪੁੱਛੋ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਆਪਕਾ ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇ ਬੈਠੇ ਥੇ ਔਰ ਆਪਕਾ ਫੋਨ ਏਕਦਮ ਕਹੀਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੇ ਤੌਰ ਪੇ ਆਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਖਤੀ ਹੈ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੱਕ ਆਪਕਾ ਇਨਮੇ ਸੇ ਕਿਸ ਪਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਬਿਦ ਚੇਹਰੇ ਲਈ, ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਯਾ ਫਿਰ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰ। ਨਵਾਜ਼